कि संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में काशी में हुआ था, जो आज का बनारस कहा जाता है। उनकी माता का नाम, भैया डिस्टर्ब ना करें, जो है ठीक है। उनकी माता का नाम कलसा देवी और पिताजी का नाम जो है संतोष दास था। उनका परिवार बिल्कुल गरीब था, लेकिन फिर भी सम्मानजनक जिंदगी जीने की उन्हें आदत थी। कुछ लोगों ने उनकी मनगढ़ंत कहानियां बनाई, पाखंडवादियों ने उन्हें भ्रांतियों में फंसा करके रख दिया, लेकिन जब अंबेडकरवादी साहित्यकारों ने उनके इतिहास को पढ़ा तो उन्हें लगा कि संत गुरु रैदास जी एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने सुबह के समय में अपने गली में ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को टहलते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। वो बच्चे जवाब देते हैं कि हम पाठशाला जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा पाठशाला में क्या होता है। वो कहे कि पाठशाला में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। सोचिए बाबा कि उतने छोटे से बालक के मन में एक जिज्ञासा जगती है कि क्यों हम भी इन बच्चों के साथ बस्ता लेकर के पाठशाला चले। इस जिज्ञासा को लेकर के संत रैदास जी अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम भी पाठशाला चलेंगे। उनके पिताजी उन्हें पाठशाला ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और दूसरे दिन जब पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला के गेट से पहले ही उन्हें कुछ बच्चे रोक लेते हैं। वो कहते हैं अरे तुम शूद्र पाठशाला चले आए। वो कहते हैं जानते हैं बाबा क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जमा ओहि दूध मिलाए। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से वो विषैला हो जाता है, उसी प्रकार इन शूद्रों को ज्ञान देने से एक न एक दिन ये राजा बन जाएंगे और इंसानियत का पाठ पढ़ लेंगे तो मानवता की बात करेंगे। ये बात रामचरितमानस के 105 सुंदर कांड की चौपाई में निहित है। ऐसा बच्चे बोलते हैं। अवाक हो जाते हैं संत गुरु रैदास जी और उनके पिता सोचने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए। तब तक वहां अध्यापक जी आ जाते हैं और वो चकित होकर कहते हैं कि रे संतोष दास तुम पाठशाला चले आए। कहे कि हाँ हमारा बच्चा हट कर लिया कि हम भी पाठशाला में पढ़ेंगे। लेकिन वो अध्यापक कहते हैं जानते हैं संत जी क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। स्त्री शूद्रो न थेता ये हमारे वेद में लिखा है जी। अर्थात हम इस भारत में स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, यह हमारा धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण बताता है। इन बातों का उल्लेख करते हुए उन्हें संत गुरु रैदास को और उनके पिताजी को पाठशाला से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तो उस बच्चे के मन में एक हौसला जगता है। वो कहते हैं कि भले हमें स्कूल से ज्ञान ना मिले लेकिन मैं अपने समाज को जगाने के लिए हार मानने वाला नहीं हूं। अपने लोगों के बीच में जा जा करके एक टोली बनाऊंगा। और उस प्रकार उन्होंने संतों की टोली बनाई जिसमें उनकी पहली मुलाकात करीबदास जी से होती है। तो उनके साथ दादू सदमा दीपा धंडा आदि लोगों का एक टोली बनता है और संत रैदास जी अपने जज्बे के साथ जो है कि शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सामाजिक चिंतन मंथन करते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि पराधीनता पाप है। अरे पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रैदास पराधीन को सब ही समझे ही। अर्थात महात्मा जी समझ रहे हैं हमारी बात। जी 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 समझ रहा हूं। अर्थात
संत गुरुदास पूरे भारत वासियों को एक संदेश देते हैं कि गुलामी एक पाप है। गुलामी का अर्थ ये नहीं कि कोई आपको बंदी बना दिया आप गुलाम हो गए, नहीं महात्मा जी समझिए बात, समझ रहा हूँ आपने। जैसे कोई अपनी हुकूमत चलाता हो, कोई अपने रीति रिवाज का गुलाम बना लेता हो, उस गुलामी की बात करते हैं संत रविदास जी। सोचिए 5 वर्ष की अवस्था में तो संत जी अपने विचारों से अपने लोगों का मनोबल हमेशा ऊपर रखते हुए अपना घूम घूम कर प्रचार करते हैं, और शायद आपको पता होगा कि ऐसे प्रचार करते 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 वो दिल्ली तक पहुंचते हैं। उस समय तो मुगलों का गुलाम था और उन्होंने उस समय भी वहां जाकर के कहा, चाहूं ऐसा राज में, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले शवन को अन्न, छोट पड़े दंड से रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे। उन्होंने केवल एक जाति की बात नहीं कही, केवल एक धर्म मजहब की बात नहीं कही, वो सबके अन्न के लिए, सबके पानी के लिए, अर्थात सबको सुखी रहने की बात कहते हैं। फिर भी उनके उस समय के लोगों ने उन्हें बहुत अपमान किया और वो रैदास जी अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं। इस प्रकार उनकी जीवनी थी महात्मा जी, लेकिन आप तो बहुत जानकार हैं, आप कुछ मेरी शंकाएं हैं उसे दूर कीजिए जी। जो मैं भजन गा रहा था जी वो रैदास जी। अच्छा, बहुत बढ़िया भजन थी महात्मा जी। क्या आप रैदास जी के बारे में और कुछ जानते हैं? जी हाँ जानता हूँ। रैदास जी अपने समय में प्रभावशाली संत थे। अच्छा, किसी जाति भेद भाव को नहीं मानते थे, ठीक, भक्ति में शक्ति को नहीं मानते थे। अच्छा, जाति धर्म से किसी को कुछ नहीं मानते थे। और आओ मैं उनका एक मशहूर दोहा सुनाइए संत जी। जाति जाति में जाति है जो केवल के हिंदू में जाति है जी? उसमें तो जाति से जाति पैदा होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार केले के पत्ते से पत्ता निकलता रहता है, उसमें कोई जो है कि बराबर नहीं हो सकता है जी। हर छोड़िए इन सारी बातों को जी, हमारा इससे कोई सारांश नहीं है। और आप हमें ये बताइए संत जी, जी, कि जब संत रैदास के बारे में आप इतनी कुछ बातें बता रहे हैं जी, और संत रैदास जी इतना जानकार थे जी, तो जब दिल्ली का शासक मुगल सम्राट बुलाया उन्हें दिल्ली दरबार में, तब वो क्यों नहीं गए? दिल्ली दरबार में इसलिए नहीं गए, उस समय मुगलों का शासन था। अच्छा, उस समय गुलाम देश था, ठीक है। तो इसी प्रकार एक उनका दोहा मशहूर है। अच्छा बताइए। पराधीनता पाप है जान ले रे, पराधीनता
वे मुक्ति देश जब गुलाम था तो मुक्ति पाने के लिए कहते थे।